उसमें से हमने टूल्स सारे के सारे ऑलमोस्टली कर लिए थे। इसमें से एक यहाँ पर ऑप्शन रह गई है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मेन है टूल्स के अंदर, अगर लाइनें आपने ड्रॉ की हुई है ना यहाँ पर, तो इन तमाम लाइनों को यहाँ पर मैंने रिपीट कर लिया, ठीक है। रिपीट करने के बाद यहाँ पर एक कॉपी अलग से निकाल ली, ठीक है। इसमें से जो एक कॉपी निकाली है इसको यहाँ पर जाकर मैं आउटलाइन पेन डायलॉग्स के अंदर यहाँ पर आकर मैं करता हूँ बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज, ये दोनों ऑप्शंस कर देता हूँ। इस पर मैंने अप्लाई कर दी है, इस पर मैंने अप्लाई नहीं की, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एट अ टाइम इन दोनों को साइज़ जो है ना वो मैं छोटा करता हूँ। बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, अब ज़रा जूम करके देखें और छोटा करें, बहुत ही छोटा कर दिया। अब देखिए जिसके ऊपर बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज की ऑप्शंस ऑन नहीं थी वो लाइनें तो मर्ज हो गई, और जिसके ऊपर ऑन थी वो वैसे की वैसे ही है। होता ये है बेसिकली, ये साइज़ हम छोटा, क्योंकि कोई विजिटिंग कार्ड बनाना उसका लोगो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो वो अगर लाइन वर्क में हो उसका साइज़ छोटा किया जाए तो लाइनें आपस में मर्ज हो जाती, तो स्केलिंग करते हुए ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर देंगे, जब छोटा करेंगे साइज़ तो साइज़ में फ़र्क नहीं है, ठीक। बात समझ में ये दोबारा से बताइए, बिहाइंड फिल कैसे किया? देखिए एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इन लाइनों को कॉपी कर लिया, रिपीट कर दिया, ठीक है। इन तमाम को सेलेक्ट किया, यहाँ पर गए आउटलाइन पेन, यहाँ पर इस पर क्लिक किया, यहाँ पर बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर दिया, ऑन करके ओके कर दें, बस ये हो गया, ठीक है। पहले तो नहीं होगा ना, बाद में आप कर देंगे। तो अब स्केलिंग करते हुए साइज़ छोटा करते हुए ये आपस में मर्ज नहीं होगी, इनका साइज़ इतना ही रहेगा, जितना मर्जी छोटा करने से इनका आपस में साइज़ उतना ही रहेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये इसमें एक मेन चीज़। अच्छा जी, दूसरी बात हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जी, फाइल के अंदर न्यू टेम्पलेट्स, ओपन, क्लोज, क्लोज, ये तो ऑलमोस्ट वही सारी की सारी ऑप्शंस हैं। प्रिंट वगैरह करने के लिए भी हमारे पास वही ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आती है प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्रो, ठीक है। होता ये है कि मैंने अगर कोई फाइल यहाँ पर बनाई हुई है पहले कोरर की, कोई भी फाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये एक फाइल ओपन करता हूँ, इस जगह पर ये देखें, ये मुझे ना जैसे मैंने ओपन किया तो ये मुझे दे रहा है कि यहाँ पर फाउंड कुछ मिसिंग है, ठीक है, मेरे सिस्टम में ये फाउंड नहीं है। अब ये एरर मेरे पास आया, मैं चाहता हूँ ये एरर मेरे पास ना आए, ठीक है, क्योंकि मैंने अगर जगह चेंज किया या जो भी किया तो मेरे पास फाइल्स मेरे पास एज इट इज़ वही रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर से अभी तो फ़िलहाल उसी को ओपन कर लेता हूँ, चलिए इसी को ओपन करता हूँ, टेम्परेरी करके इसे ओपन करता हूँ, ठीक है, कि वक्ती तौर पे जो भी फ़ॉन्ट है। अब उसने ना अजीब से अपने फ़ॉन्ट दे दिए क्योंकि ये फ़ॉन्ट इसमें नहीं थे, ठीक है। मैं यहाँ पर ना फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कहता हूँ कि भाई इसके फ़ॉन्ट जो है ना ये मेरे पास महफूज रहें, एज इट इज़ रहें। मैं यहाँ पर फाइल में जाता हूँ, प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्रो, ठीक है, इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, आगे चल के फ़ॉन्ट सारे के सारे जितने भी इसमें मौजूद थे सारे के सारे उसने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। अब पाथ दे रहा, पूछ रहा कहाँ पर करना, मैं कहता हूँ ठीक है डेस्कटॉप पे बैनर के नाम का एक फोल्डर बना दे, उसी के अंदर से सेव कर दे, नेक्स्ट किया, ठीक है। अब आप डेस्कटॉप पे जाकर चेक कीजिएगा, फिनिश, मैं डेस्कटॉप पे आया, यहाँ पर बैनर के नाम का फोल्डर बन चुका हुआ, इसमें ये सारे फॉन्ट जो भी मैं उसमें यूज़ कर रहा था सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, और ये फाइल भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब मैं पूरा फोल्डर कॉपी करूँगा, जहाँ मर्ज़ी ले जाऊँगा। अब किसी भी सिस्टम पे जब बैठूँगा तो उस पर क्या करूँगा, मैं इन तमाम फॉन्ट्स को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर सेटिंग में जाऊँगा, कंट्रोल पैनल में जाऊँगा, ठीक है,
कंट्रोल पैनल में जाकर यहाँ पर फाउंड के नाम का एक फोल्डर होगा, मैं उसे ओपन करूँगा। ठीक है, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर इन फाउंड्स को पेस्ट कर दूँगा। ये सारे के सारे फाउंड जो है ना वो आपके पास रिप्लेस हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे इसमें मौजूद थे। ठीक है ना, आप जिस पे कर रहे होंगे उस पे ये नहीं होंगे, तो सारे के सारे इसमें पेस्ट हो जाएंगे। अब जब दोबारा आप कोरर की फाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास वो वाला एरर नहीं आएगा जो पहले आ रहा था फॉन्ट मिसिंग का। सबसे मेन ऑप्शन यही होती है आपके पास और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास एडिट, एडिट के अंदर आपके पास कोई ख़ास चीज़ नहीं है सवाए आपके पास इसके कि आप यहाँ से इसे बार लगाएं, इंसर्ट बार कोड। डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनके ऊपर यहाँ पर ये लगा हुआ होता है। तो वो होता क्या है कि ज़्यादातर कंपनी ख़ुद बताती हैं, जी पहले आप ये कर दें कि ये लिख दें इसके ऊपर 90 90 43, जो भी सन है वो लिख दें, फिर डेट दे दें। ठीक है, फिर उसके प्राइस लिख दें। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी एंडिंग डेट जो भी बनती है आप इसकी वो एंडिंग डेट जो है ना यहाँ पर दे दें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दे दी मेडिसिन वगैरह की, तो वो ख़ुद बताते हैं आपको। आपने सिर्फ ये काम करना है, यहाँ पर इनपुट करना है, नेक्स्ट करना है, उसकी रेजोल्यूशन देनी है, यूनिट्स सेलेक्ट करने हैं, विड्थ बतानी है, हाइट बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट किया, उसके बाद आपको इसमें फॉन्ट कौन सा चाहिए, विड्थ इसकी कैसे चाहिए, आपको बोल्ड में चाहिए, इटैलिक बोल्ड चाहिए, फिर सेंटर लाइन चाहिए, लेफ्ट लाइन, अभी सेंटर लाइन है ना, मैं इसे लेफ्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा, मैं राइट करता हूँ तो ये राइट साइड पे चला, जहाँ कहाँ चाहिए आपको। फिनिश किया तो ये ले मेरे पास ये एक बार कोड आ गया, ये काम होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा बार कोड जो जहाँ भी कहीं डिटेक्ट होगा तो वो उसकी अपनी प्राइस वो बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये एडिट में, हाँ जी एडिट में कमांड। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पर आता है फाइल व्यू, सॉरी व्यू के अंदर यहाँ पर मैं कलर देता हूँ। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इस पर भी मैं कोई कलर देता हूँ। अब मैं देखना यह है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल बैक पर है, अब मुझे ये तो नहीं पता इसके बैक पर कोई चीज़ है। मैं यहाँ पर व्यू में जाता हूँ, इसे जाकर करता हूँ वाई फ्रेम। अब वाई फ्रेम में क्या क्या कलर उसने उड़ा दिए और सिर्फ आउटलाइन शो करवा दी, पता लग गया कि यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है और यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है, दोनों अलग अलग हैं, जब मर्ज़ी जिसे मर्ज़ी सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, और दोबारा देखना चाहता है नॉर्मल पर क्लिक कर दें। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन यहीं पर मौजूद होती है हमारे पास, मैं अगर यहाँ पर ना ये दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों, ठीक है, जैसे ये दो हैं, इन पर इंटेक्टिव ब्लेंड टूल अगर मैं अप्लाई करूँ इस तरीके से। अब वाई फ्रेम का काम ये है, वाई फ्रेम का काम ये है कि कलर्स उड़ा देगा, सिर्फ ये शो करा देगा। अगर मैं यहाँ से सिंपल वाई फ्रेम करता हूँ तो अब क्या करेगा, इंटैक्टिव ब्लेंड टूल के दिए हुए जो ऑब्जेक्ट्स होंगे सेंटर वाले, वो सारे के सारे हाइड कर देगा, दिखाएगा नहीं। अगर मैं इसे आल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर डॉट डॉट शो करवा रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पर कुछ है, क्या है वो यहाँ पर जाकर आप कम ज़्यादा करके देख लें। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर जाएं वाई फ्रेम करेंगे तो अब आपको कॉपियाँ शो करवा देगा, सिंपल वाई फ्रेम करेंगे तो सेंटर की कॉपियों की आउटलाइन भी ख़त्म कर देगा, लेकिन ओरिजिनल जो होंगे उनके दोनों भी शो करवा देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसे नॉर्मल किया तो नॉर्मल में वापस आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है इनहेंस की। इनहेंस का काम क्या होता है, यहाँ पर ये एक छोटी सी ऑप्शन है कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा ठीक करता हूँ, अभी देखें इसकी आउटलाइन जो है ये इतनी स्मूथ नहीं है। ठीक है, ये ज़िगज़ैग से आपको नज़र आ रहे हैं कट्स, मैं उसको अगर इनहेंस करता हूँ तो इनहेंस करने पर ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, कॉर्नर बराबर करता है। ठीक है जी, ये इसके अंदर मेन ऑप्शंस हैं। फुल स्क्रीन करना तो शॉर्टकट की वो F9 है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद रूलर्स अगर नहीं है तो यहाँ पर व्यू में जाके रूलर की ऑप्शन पर क्लिक करा दें। ठीक है, ग्रिड्स नहीं है तो क्लिक कर दें, ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर ऑफ़ कर दें। गाइडलाइंस, यहाँ से हम अक्सर गाइडलाइन लेते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं तो कभी कभी यहाँ पर लाने के बावजूद ये नज़र नहीं आती, उसकी वजह क्या होती है, ये गाइडलाइन की ऑप्शन ऑफ होती है। अब मैं देखें यहाँ पर ये लेकर आया, छोड़ा, वापस नहीं गई, यहीं पर आया लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, आप व्यू में जाएँ दोबारा, ठीक है, गाइडलाइंस की ऑप्शन को ऑन करें। ठीक है, ये सिर्फ हाइड और अनहाइड कर सकते। ठीक है जी, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको। ठीक है, उसके बाद आपके पास लेआउट की ऑप्शन आ जाती है, पेज को ऐड करना हो, पेज रीनेम करना हो, यहाँ पर क्लिक किया तो पेज
का नाम पूछ रहा है, मैं कहता हूँ पेज का नाम ये कर दे, ठीक है, इस पेज वन का नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बस ये ऑप्शंस है। ओरिएंटेशन आप चेंज करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बात एक ही है, यहाँ से कर लें, इसमें जाके स्विच कर दें या यहाँ पर आके स्विच कर लें, ठीक है। अरेंज हम लोगों ने मेरा ख्याल है सारा ही पढ़ लिया था, इसमें कोई चीज़ रहती नहीं थी, ठीक है, रहती थी एक कन्वर्ट आउटलाइन टू कर्व, ठीक है, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कि आउटलाइन को ऑब्जेक्ट बनाना, पहले ऑब्जेक्ट को हमने आउटलाइन बनाया था, ठीक है, एक कर्व बनाया था, अब ये मेरे पास आउटलाइन है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये आउटलाइन जो है इसके ऊपर मल्टीपल कलर हो जाए, ठीक है, इसमें मल्टीपल कलर अगर F11 करूँगा ना तो कलर जो हो रहे होंगे ये बेसिकली इसके अंदर कलर हो रहे होंगे, ये देखें अंदर कलर हो, मैं कहता हूँ ये बाहर भी ऐसे कलर हो, ठीक है, इसका साइज़ मैं यहाँ पर आकर और ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आउटलाइन के ऊपर मल्टीपल कलर करना चाहता हूँ, अरेंज में जाकर कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट इस पर क्लिक कर दें, ये अलग हो जाएगा, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, अब इस पर कलर में जाएं, यहाँ पर आकर कोई भी कलर सेलेक्ट करें, ओके करें, अब देखें मल्टीपल कलर सर, ठीक है, क्योंकि ये अब आउटलाइन नहीं, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी आउटलाइन नहीं रही, अब इसके ऊपर जब राइट क्लिक करूँगा ना तो इसके ऊपर भी ये देखें आउटलाइन आ गई ना, ये देखें, इसको भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ये लें आउटलाइन उसके गिर भी आ गई, ठीक है जी, क्लियर हुई बात आपको, ठीक है। इसके बाद अफेक्ट के अंदर मैंने पावर क्लिप आपको करवा दिया था, ठीक है, ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस वही हैं जो यहाँ पर इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल के अंदर में ऑप्शंस हैं, ये सेम है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने नहीं करवाई, वो है ऐड पर्सपेक्टिव की, ठीक है, ऐड पर्सपेक्टिव का काम किया कि यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ये ले, ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पर आया ऐड पर्सपेक्टिव को क्लिक किया, यहाँ से पकड़ा या यहाँ से पकड़ा, इसको इधर ले गया, इसको पकड़ा, मैं इधर ले आया, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह आप टेक्स्ट यहाँ पर लिखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट लिखा, टाइप किया, इसके साइज़ को यहाँ से पकड़ के बड़ा कर दिया और यहाँ पर ले आया, ठीक है, मज़ीद बेशक इसे बड़ा कर, मज़ीद बड़ा कर लें, ठीक है। अब दोबारा इसमें गए, ठीक है, और इफेक्ट के अंदर जाके ऐड पर्सपेक्टिव पे क्लिक किया, यहाँ से इसे पकड़ा, ये इधर ले आया, यहाँ से पकड़ा, ये इधर ले गया, ये इधर ले गया, एक दीवार जैसे शो करवाती ना, सेम इसी तरीके का इफेक्ट आपके पास यहाँ पर भी आया, ठीक है जी, क्लियर होगी बात, ठीक है। बिट मैप की ऐसे ज़रूरत नहीं होगी, इसे हम नहीं करेंगे, इसके बाद हम टूल्स को देखेंगे, ठीक है, टूल का पूरा मेन्यू हम पढ़ेंगे, इसमें मेन मेन ऑप्शंस और टूल्स की कुछ टेक्स्ट की और सॉरी टूल्स की, ये दो ऑप्शंस रहती हैं, ये कल ही इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे, कोर हमारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इन पेज का भी एक लेक्चर है जिसमें से कोरर से इन पेज से फाइलें कोरर में लेकर आ लें, टेक्स्ट उर्दू में लिख कर तो यहाँ पर कैसे आएगा, उर्दू में भी तो अपने काम करना है ना, सारा काम ही आपका बेसिकली अगर अखबार के लिए काम है, ठीक है, उर्दू न्यूज़ के लिए काम है, तो फिर आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया।